हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका निदा के किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पटेटो चीज़ बॉल। तो जिसके लिए हमने आलू ले लिए हैं। आलू हमारे बॉईल हैं और हमारे हाफ के जी आलू हैं और अब हम इसको ग्रेट करेंगे। आलू हमारे ठंडे होने चाहिए। बॉईल करके आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएंगे जब आप इसको ग्रेट करेंगे। आप इसको मैश भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं। अगर इसमें लहसुन ग्रेट करेंगे तो इसे साफ कर लिए हैं। तो हम इसको भी इसमें घिस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी वेजिस कट कर ली हैं और हम इसको अपने आलू में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हम अपनी हरी धनिया डालेंगे। फिर दो शिमला मिर्च हमने काटी है, नून में चॉप कर ली है। एक बड़े साइज का प्याज हमने काट लिया है। एक ग्रीन चिली, एक गाजर। प्याज हम इसमें डालेंगे। एक चम्मच चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, कुटी हुई काली मिर्च। साथ ही हम इसमें डालेंगे अमूल की मोजरेला चीज। देखिए हमने अपनी एक बाउल ले लिया, यानी कि 1 कप। हम इसमें अपनी चीज डाल देंगे। साथ में इसमें नमक डाल देंगे। तीन चम्मच, 3 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना मिक्सर रेडी कर लिया है। अब हम इसके लिए एक बैटर बनाएंगे इस बाउल में। इसके लिए हम लेंगे 3 टेबल स्पून मैदा भर भर के, 7 हम इसके डालेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून। अब हम इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून। अब हम इस बैटर को घोल लेंगे पानी से। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। बैटर इतना होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला, ऐसा होना चाहिए। अब हम अपनी बॉल्स बनाएंगे और साथ ही हमारे ब्रेड क्रम्स से इसमें हम रोल करेंगे। अपने हाथों को गीला कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी बॉल्स बनाएंगे छोटी छोटी, और इसमें हमने ये अपनी मोजरेला चीज कट करके रखी थी क्यूब्स में, हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसको रोल कर लेंगे। अच्छे से करिएगा वरना ये तो बॉल आपको फट भी सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इनको कोट करेंगे अपने ब्रेड क्रम्स में। इसको इसमें कोट करने के बाद फिर हम अपना डिप में इसको ऐसा करेंगे। इस तरह से एक बार फिर हम इसको इसमें करेंगे ब्रेड क्रम्स में।
देखने के लिए। कुछ इस तरह से बनकर तैयार होंगे हमारी बॉल्स। अब हम सब रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको अपनी कढ़ाई में फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपना तेल डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम अपना चीज़ बॉल डालेंगे फ्राई होने के लिए। और गैस हमारी मीडियम पे ही रहेगी। इसको हल्के हाथों से घुमा दें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल फ्राई हो रही है। इसको हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और बहुत ही धीमे हाथों से इसको पलटिएगा। हमें चीज़ बॉल हमारी फट सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इनको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल बनकर रेडी हो चुकी है और ये बनकर कुछ इस तरह से हुई है। ये देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, डिलीशियस। आप ही बनाएं और बच्चों को खिलाएं। और इसके साथ सॉस है, मेयोनीज है, आपको जिसके साथ अच्छा लगे आप उसके साथ बनाएं, बच्चों को खिलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।